Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In this video, we are going to discuss about common collector configuration, Ubhayanisht Sangrahak Vinyas. In previous videos, we have discussed about two configurations, that is common base configuration, Ubhayanisht Aadhar Vinyas, and common ammeter configuration, Ubhayanisht Utsarjak Vinyas. The CC configuration means common collector configuration for NPN and PNP transistors are shown in the given figure. चित्र में आप देख सकते हैं कि ये NPN transistor है जिसमें arrow बाहर की ओर है. Arrow बाहर की ओर जहाँ arrow होता है वो ammeter terminal होता है. ये collector terminal है और ये base terminal है. इसमें arrow अंदर की ओर है तो PNP transistor है. यह मीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये बेस टर्मिनल है. तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है. तो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो एनपी, तो बेस पी टाइप का है इसलिए उसको नेगेटिव से जोड़ा, और कलेक्टर एन टाइप का है इसलिए उसको पॉजिटिव से जोड़ा. इसी तरह यहाँ बेस पीएनपी एन टाइप का है इसलिए यहाँ पॉजिटिव से जुड़ा, और कलेक्टर पी टाइप का है इसलिए इसको नेगेटिव से. तो अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है. इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स. यानी इस विन्यास में जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो इनपुट सर्किट से भी जुड़ा होता है और आउटपुट सर्किट से भी जुड़ा होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स. Generally, the value of impedance matching in CC configuration is very small. या सामान्यतः हम क्या जानते हैं, इसमें जो प्रतिबाधा सुमेलन होता है वो CC configuration के अंदर बहुत कम होता है. Whereas in CB and CE configurations, its value is opposite to it. लेकिन CB और CE विन्यास की बात करें तो इसका मान जो सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है उसके विपरीत होता है, यानी उसमें प्रतिबाधा सुमेलन का मान ज़्यादा होता है. इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस विन्यास में द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड द ग्राउंडेड कलेक्टर. यानी जो इनपुट सिग्नल है निवेशी संकेत, यानी जब इसका उपयोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, प्रवर्धक के रूप में करते हैं, तो जो निवेशी संकेत होता है बेस और भू संपर्कित संग्राहक के मध्य प्रयुक्त करते हैं. एंड सिंस द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है, सो द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी हाई. यानी इसका निवेशी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है. पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देख चुके हैं कि कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जो निवेशी प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है. लेकिन जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान उसकी तुलना में, कॉमन बेस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है. लेकिन यहाँ हम देखें कि इनपुट रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है, तो रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. When it is used as an amplifier, जब इसका प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं, किसका, common collector configuration का, the load is connected between the ammeter and the ground terminal. Load को हम ammeter terminal और ground terminal के बीच connect करते हैं. लेकिन जब common ammeter configuration होता तो उसमें same situation होती, लेकिन load यहाँ की बजाय अमीट कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच होता है, ये अंतर होता दोनों में. डायग्राम ऐसा का ऐसा दिखाई देता हमें, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस हट जाता और कलेक्टर के यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लग जाता. हम यहाँ आउटपुट सिग्नल इसके अक्रॉस लेंगे, लेकिन कॉमन अमीटर जब एम्पलीफायर की बात करेंगे तो वहाँ जो लोड लगा होगा उसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे. The circuit used as an amplifier is known as ammeter follower circuit. यानी जब
इस परिपथ का उपयोग प्रवर्धक के रूप में करते हैं तो यह उत्सर्जक अनुगामी परिपथ कहलाता है। When input terminals are short circuited, जब निवेशी टर्मिनलों को लघुपथित कर दें, then the output resistance is the parallel combination of the load resistance and the input resistance. तो output resistance क्या होगा, ये जो load resistance लगा हुआ है और इसको short कर दें हम, तो इसका जो input resistance होगा, तो input resistance और जो लोड रेजिस्टेंस है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो इस कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आएगा उसका मान बहुत कम होगा, देयरफॉर द आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होते हैं वो कॉमन बेस का बिल्कुल विपरीत होता है। कॉमन बेस के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन बेस में आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। द कॉमन कलेक्टर सर्किट कैन बी अज्यूम टू बी ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉमन एमिटर सर्किट, यानी जो उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ है उसे उभयनिष उत्सर्जक परिपथ का एक विशेष रूप माना जा सकता है। द ओनली डिफरेंस इज डेट द लोड इज कनेक्टेड टू कलेक्टर सर्किट इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया था कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो लोड होता है वो कलेक्टर सर्किट में जोड़ते हैं, वेयर एज इन सीसी कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सीसी कॉन्फ़िगरेशन में जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं उभयनिष संग्रह विन्यास, द लोड इज कनेक्टेड इन अमीटर सर्किट, यानी अमीटर सर्किट के अंदर लोड को जोड़ते हैं, और कॉमन अमीटर में कलेक्टर सर्किट में लोड को जोड़ते हैं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन बिटवीन आईई एंड वीईसी ए शोन इन द फिगर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आउटपुट करंट आईई होता है क्योंकि कलेक्टर तो कॉमन होता है, तो इनपुट टर्मिनल तो बेस टर्मिनल होता है और आउटपुट टर्मिनल अमीटर टर्मिनल होता है उत्सर्जक, तो आउटपुट करंट आईई होता है और आउटपुट वोल्टेज वीईसी, यानी उत्सर्जक और संग्राहक के बीच की जो वोल्टता होती है अमीटर कलेक्टर वोल्टेज वीईसी, वो आउटपुट वोल्टेज होता है। तो जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होता है वो इन दोनों के बीच खींचेंगे और क्या कॉन्स्टेंट रखेंगे, इनपुट करंट। तो इनपुट करंट जैसे भी बताया कि इनपुट टर्मिनल बेस टर्मिनल होता है, तो इनपुट करंट क्या होता है आईबी, तो आईबी को नियत मानते हुए कांस्टेंट लेते हुए जो आउटपुट वोल्टेज वीईसी और आउटपुट करंट आईई के बीच जो कर्व खींचते हैं वो इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक होंगे। क्योंकि इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, निवेशी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके इनपुट करेक्टरिस्टिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसके निवेशी अभिलाक्षणिक इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, केवल आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के जैसे ही है। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन आईई एंड वीसीईओ ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट आईसी होता है और आउटपुट वोल्टेज वीसीई होता है, तो उन दोनों के बीच जो कर्व खींचते हैं उसके समान है। क्यों? क्योंकि आईई का मान लगभग आईसी के बराबर होता है और वीईसी इक्वल टू वीसीई होता है, दोनों वोल्टेज सेम होते हैं, केवल पोलरिटी चेंज हो जाती है, ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है, तो करंट भी लगभग बराबर है और वोल्टेज भी बराबर है। तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होता है वो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट के लगभग एक जैसा होता है, उसका आइडेंटिकल होता है। द गिवन फिगर शोज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब इसमें करंट रिलेशंस क्या होंगे, धारा संबंध क्या होंगे हम देखें यहाँ। वी नाउ डेट फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक संधि ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन होती है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और IC इज इक्वल टू होता है IC इज इक्वल टू अल्फा DC IE प्लस ICBO, ये मान होता है IC का।
यानी जो कलेक्टर और बेस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो ICBO CBO होता है, और जो अमीटर से जो चार कैरियर्स बेस में से होते हुए कलेक्टर में जाते हैं उसके कारण जो करंट होता है वो होता है अल्फा डीसी आईई। एलिमिनेटिंग आईसी फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन से आईसी को एलिमिनेट करते हैं। आईसी को ही एलिमिनेट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर आउटपुट टर्मिनल तो अमीटर टर्मिनल है, तो आउटपुट करंट आईई होगा, और जो इनपुट टर्मिनल है निवेशी टर्मिनल वो बेस टर्मिनल है भी, तो इनपुट करंट आईबी होगा। तो इनपुट करंट आईबी है, आउटपुट करंट आईई है, तो आईसी का कोई काम नहीं है, इसलिए हम आईसी को एलिमिनेट कर देंगे। तो आईसी को एलिमिनेट कर दिया, आईसी का मान यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया। अब इधर आईई का मान है, इधर भी है, तो आईई की टर्म इधर ले जाएंगे, बाकी इधर ही रहने देंगे। फिर इसमें आईई कॉमन ले लेंगे, फिर 1 - α DC से डिवाइड कर देंगे दोनों में। अब अल्फा और बीटा के संबंध से हम जानते हैं कि 1/1 - α DC होता है बीटा डीसी प्लस 1, तो यहाँ 1/1 - α DC यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो वहाँ रख देंगे बीटा डीसी प्लस 1, दोनों जगह रख देंगे। इफ़ वी नेगलेक्ट द लीकेज करंट ICBO, क्योंकि CBO का मान बहुत कम होता है, मान लो इसको नेगलेक्ट कर दिया, ये जो शरण धारा है इसको नगण्य मान लिया, इसको हटा दिया, तो IE इजिकल टू ये हो जाएगा, और IE अपॉन IB यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, उसका मान हो जाएगा बीटा डीसी प्लस 1। द रेशियो IE अपॉन IB इन CC कॉन्फ़िगरेशन इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय गामा डीसी। जैसे उसके अंदर हमने कॉमन बेस में अल्फा डीसी लिया था, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा डीसी लिया था, इसी तरह इसके अंदर हमने लिया गामा डीसी। तो आउटपुट करंट आईई अपॉन इनपुट करंट आईबी, इसका जो रेशिया रेशियो है, अनुपात है, उसको हमने गामा डीसी से कहा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एंड इट इज़ नॉन एज डीसी करंट गेन ऑफ सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको डिस्ट धारा लाभ कहेंगे, जैसे अल्फा डीसी भी डीसी करंट गेन है कॉमन बेस के लिए, वो किसका रेशियो होता है? आईसी अपॉन आईई का रेशियो, यानी उसका मान 1 से कम होता है। फिर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है बीटा डीसी, वो होता है आईसी अपॉन आईबी, यानी आउटपुट करंट आईसी अपॉन इनपुट करंट आईबी, उसका मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ आईई अपॉन आई बी का मान बहुत कम होता है, उसकी तुलना में आई ई का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मान भी 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो बीटा डी सी प्लस 1, यानी कॉमन अमीटर में तो बीटा डी सी होता है, तो कॉमन कलेक्टर में ये मान हो गया बीटा डी सी प्लस 1। थैंक यू।